जैसे अगर आपका सेमेस्टर वन का एग्जाम जो है वो खराब हो गया है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं मैं। वेलकम टू आईसीएसई हेल्प यूट्यूब चैनल। माय डियर सीआईएससी स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक बहुत गुड न्यूज है और एक बहुत अल्ट्रा गुड न्यूज एक तरीके से कहा जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका रिजल्ट सेमेस्टर वन का आने वाला है, तो आप सभी को एक बहुत कंफ्यूजन रही होगी कि आपने जैसे सेमेस्टर वन आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, आपको पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कराई गई और आपके बहुत से डाउट्स रह गए थे एग्जाम के पहले, और आपने स्टडी मटेरियल से इतना स्टडी किया मगर कुछ पेपर में थ्योरी पार्ट कम आया, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आया, ज्योग्राफी के पेपर में आपके जो टोपोग्राफिकल मैप आया और जो उसके पेपर के जो क्वेश्चंस आए वो आप लोगों को ऐसे इतने हार्ड लगे कि आप उसमें अपना मतलब जितनी मेहनत करके मेरे स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने कहा सर हम कितनी भी मेहनत करके गए जो हाईएस्ट स्कोर बताया जा रहा है 40 में 33 से मैं ज्यादा ला ही नहीं पाया। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप जैसे अगर आपका सेमेस्टर वन का एग्जाम जो है वो खराब हो गया है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं मैं कि आपका अगर सेमेस्टर वन का एग्जाम खराब हो गया है, नंबर बहुत कम आ गए हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपको जैसे बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट मिलेगा और ये इंप्रूवमेंट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा उस रिजल्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि आप पास हैं या फेल हैं, बस उसमें आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि 40 में आपको इतने मार्क्स मिले हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है सीआईएससी की तरफ से और हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो इतनी बड़ी गुड न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही में हमारी इस वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि जैसे ही कोई अच्छी गुड न्यूज आती है या फिर कोई बिगेस्ट अपडेट आती है तो वो सब आपको बताते रहे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ICICIHelp.com जो गूगल पे वेबसाइट है, इसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, सारे स्टडी मटेरियल आपके दिए गए हैं, ऑल द स्टडी मटेरियल्स ऑफ सीआईएससी ऑफ आईसीएससी क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th एंड अदर प्राइमरी एंड जूनियर लेवल क्लास 1-10th के सभी के स्टडी मटेरियल हमारे ICICIHelp.com गूगल पे प्रेजेंट है। आपको अगर हमारी बात बिलीव नहीं होता है तो आप ICICIHelp.com पे जाइए और सर्च करिए, आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। और एक काम आप और करिए आज कि आप अपने गूगल पे लिखिए कि बेस्ट लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट सीआईएससी चैनल्स आईसीएससी चैनल्स, तो उसमें आपको ICICIHelp की हेडिंग दिखाई दे जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपके जो सेमेस्टर वन के एग्जाम आपके वो हो गए हैं मतलब जैसे खराब हो गए हैं या उसमें आप 40 में मैं कहता हूं 10 नंबर या 6 नंबर भी स्कोर करके हैं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली एक बहुत बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जैसे मैं भी ये टीचर हूं, तो मेरे साथ के जो टीचर्स उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने कॉपी चेक की, तो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको सुनने के बाद आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे, आप फटी की फटी रह जाएगी, तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मेरे साथ के जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि उन्होंने जब कॉपी चेक की तो स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट है उस स्कूल में, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है अगर उस स्कूल में, तो 100 में से कम 30-35 स्टूडेंट्स के नंबर 40 में लेस देन 15 थे, 40 में लेस देन 15 थे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनका पेपर कितना खराब गया, इतना वर्स्ट पेपर गया है। तो आइए मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा कि 40 में अगर 15 पेपर आपके सिर्फ और सिर्फ मतलब 40 में 15 मार्क्स अगर आपको आए हैं, तो आपको उसके लिए डरना नहीं है, आप अभी से अपने सेमेस्टर वन का जो सिलेबस आया है उसको फिर से तैयारी करिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट की बात श्योर है। इंप्रूवमेंट के लिए आपको 10-15 दिन का टाइम और मिल सकता है रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम 10-15 दिन के अंदर में आपका इंप्रूवमेंट आपको फिर से देना पड़ेगा, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये डिपेंड करता है आपके कोविड केसेस के ऊपर। अगर ऑफलाइन होगा तो आपको जी जान लगा के मेहनत करनी, और अगर ऑनलाइन होगा तो भी आप मेहनत करके पेपर दीजिए, क्योंकि आपको यह पता चलना चाहिए कि आप में खुद में कितनी नॉलेज है और आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं पढ़ के। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे स्टडी मटेरियल स्पेसिमेन पेपर सेमेस्टर 2 का हो या सेमेस्टर 1 का हो, वो सब हमारी वेबसाइट ICICIHelp.com पे अवेलेबल है।
आप गूगल पे जाइए नॉर्मली icschelp.com सर्च करिए और उसमें आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ऐसे ऊपर इंटरफेस रहेगा। आप जिस भी क्लास के हैं उस क्लास को सेलेक्ट करिए, उस क्लास को सेलेक्ट करने के बाद अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सेलेक्ट करिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद तुरंत आप अपने राइट आपको आपके आप अपने बुक के पास पहुंच जाएंगे। आपकी कौन सी बुक चलती है, मान लीजिए मैथ में एमएल अग्रवाल चल रही है, आरएस अग्रवाल चल रही है, ओपी मल्होत्रा चल रही है, या फिर आपकी सेलिना कंसाइज चल रही है, इतना सेलेक्ट करिए। ऐसे ही आपको बता दूं, मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी को सर्च करते हैं तो जैसे ही आपकी फिजिक्स की सेलिना कंसाइज चल रही है, सृजन की चल रही है, या फिर जो केमिस्ट्री में जो दलाल की केमिस्ट्री चलती है, उस तरीके करके आपके जो भी राइटर हैं या जो भी पब्लिकेशन की बुक चल रही है, हमने सभी राइटर और सभी पब्लिकेशन के आंसर और सॉल्व जो भी एक्सरसाइजेस है, चाहे वो मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, और चाहे कोई भी चीज हो, क्वेश्चन आंसर से लेकर के एक्सरसाइज तक हमने सब कुछ अपलोड कर दिया, सबके आंसर अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। और सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और इसी यूट्यूब चैनल ICSC यूट्यूब चैनल पे आपको आने वाले टाइम पे आने ही मतलब हफ्ते दो हफ्ते के अंदर में आपको जैसे कि आपको कहना चाहूंगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी सब के वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी ICSC हेल्प यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब ना करने से आपको ही प्रॉब्लम है। आपको बहुत सी चीजें जो आपको ICSC के रिगार्डिंग आती रहती है वो हम आपको पहुंचा देते हैं अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, मैं पूछता हूँ सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ एक क्लिक करना होता है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना पड़ता है, सिर्फ इतना ही आपको तो करना पड़ता है। और उससे आप कितना कुछ सच सच पा सकते हैं जो आपके साथ होने वाला है, और आप कितना स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। अगर आपके 90% आपके 10th और 12th में आ जाएंगे तो आप आने वाले टाइम पे कितना अच्छा ग्रो अप कर सकते हैं। आपका 10th में अगर 90% है और 12th में 90% है तो आप ये कह सकते हैं मैं CISC से पढ़ के, ISC और ICSC से पढ़ के मैंने 90% हासिल किए हैं। और मैं किसी भी आप IIT JEE नीट किसी भी फील्ड में जाएंगे आपकी 90% की मार्कशीट रहेगी तो आप बहुत अच्छा ग्रो अप कर सकते हो और आपके अंदर नॉलेज रहेगी। तो नॉलेज इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। इसलिए आपको कहूंगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी स्टडी मटेरियल हो उसको दिल लगा के पढ़िए, सब काम छोड़ दीजिए। सिर्फ 9th 10th 11th 12th जिसने 90% से स्कोर कर लिया उसको आने वाले टाइम में 50,000 की नौकरी से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, सेमेस्टर 1 की भी तैयारी करते रहिए। और सेमेस्टर 1 की तैयारी करने के लिए आपको बता दिया मैंने ICSC हेल्प हमारी गूगल पे वेबसाइट है, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज सॉल्व है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व है, और जो भी बीच बीच की जो चीजें होती हैं वो सब सॉल्व है। समरी भी दी गई है चैप्टर की कि उसको कैसे पढ़ना है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। और अगर आप क्लास 10th के हैं तो कम से कम 5 घंटा पढ़िए, और अगर आप क्लास 12th के हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़िए।